नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। आज हम बात करेंगे वैष्णो देवी की। वैष्णो देवी जो कि एक बहुत ही बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है भारतवर्ष का, और जहां पर बहुत ही अधिक श्रद्धालु जाते हैं और वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। आरटीआई से हुए एक खुलासे में ऐसा माना जाता है कि 20 सालों का आंकड़ा उन्होंने दर्शाया है, और उन्होंने बताया है कि लगभग 20 सालों में वैष्णो देवी में जो चढ़ावा चढ़ा है उसका आंकड़ा है कि 1800 किलो सोना और 4700 किलो चांदी, वहीं नगद रुपया 2000 करोड़ रुपए चढ़ाए गए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। और यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि वैष्णो देवी एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां पर आम लोगों की आस्थाएं और विश्वास जुड़ी हुई है। यह आंकड़ा यह भी दिखलाता है कि वैष्णो देवी एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां पर लोग अगर चले जाते हैं और वैष्णो देवी माँ के दर्शन मात्र से ही उनके मन्नतें पूर्ण हो जाती है, जो कि एक धार्मिक और भारतवर्ष के गौरव को प्रदर्शित करता है। वैष्णो देवी एक विख्यात विश्व विख्यात मंदिर है जहां पर कोई भी श्रद्धालु आकर अगर सच्चे मन से उनके दर्शन करता है तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जम्मू में स्थित कटरा से 12 किलोमीटर आगे त्रिकुटा पर्वत पर माँ वैष्णो देवी जी का शक्तिपीठ है, जहाँ पर 3 पिंड स्थित हैं और उनकी पूजा आराधना बहुत ही पारंपरिक तरीके से की जाती है। इस खुलासे में यह साफ तौर पर दिखता है कि वहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास इतना ज़्यादा अटल हो चुका है। माँ वैष्णो देवी का यह मंदिर बहुत ही विख्यात है और भारतवर्ष के लिए यह गौरव की बात है कि माँ वैष्णवी इस मंदिर में आज भी विराजमान है और अपने श्रद्धालुओं का, जो भी वहाँ पर जाते हैं, उनका सच्चे हृदय से पूजन करने पर उन्हें उनकी मन वांछित फल को प्रदान करती हैं। माँ वैष्णो देवी का जो यह मंदिर है उसे श्राइन बोर्ड के देखरेख में रखा गया है, और माँ वैष्णो देवी का जो श्राइन बोर्ड है वह पूरे भारतवर्ष के सभी मंदिरों से सबसे अमीर श्राइन बोर्ड माना जाता है। वैष्णो देवी में 20 सालों में चढ़े इस आंकड़े से साफ तौर पर दिखता है कि यह मंदिर अपने आप में एक दिव्य अनुभूति और दिव्य शक्तिपीठ है, जिससे भारतवर्ष के हर धर्म के लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर पूजन आराधना करके अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।